स्टार। हाँ भाई, आपको मालेगांव शहर ने करीब 2 लाख के करीब वोट दिया, आपकी जीत यकीनी हो, आप क्या कहेंगे? जो है मालेगांव लोकसभा 2024 के जो चुनाव है उनके जो निकाल है वो कल ही रात देर तक आ चुके हैं और इस निकाल में मालेगांव मध्य मतदार संघ में करीबन 2,05,000 वोट्स वहाँ पे मालेगांव मध्य से मिले हैं। उसमें से कांग्रेस को 1,98,000 वोट्स मिले हैं। ये पूरे इंडिया में ऐसा एक ही मतदार संघ है कि इतने सिंगल पार्टी को इतने ज़्यादा वोट्स मिले हैं और पूरे चुनाव नज़रअंदाज करते हुए 6 विधानसभा मतदार संघ का जुलिया और मालेगांव लोकसभा मतदार संघ है तो बाकी के विधानसभा मतदार संघ में जो भी कम वोट्स हुए हैं तो उसका मालेगांव मध्य में जो वोट्स मिले हैं तो वो लीड वहाँ पे अपोजिट पार्टी का हमने कम किया है और मैं सबकी दुआ से आशीर्वाद से 3,831 वोटों से मैं जीत के आई। उनके लिए तो काम करने ही है, उनके जो कर्मचारी है उनको रहने को घर नहीं है तो पंतप्रधान आवास योजना से उनको घर बनाएंगे और जो उनके जो जो भी प्रश्न है हम वो हल करेंगे और जितने भी केंद्रीय योजना है तो उनका स्टडी करके अपने दुलिया मालेगांव लोकसभा मतदार संघ में वो योजना ज़्यादा से ज़्यादा हम लाएँ। बिजली का जो सवाल है उनको के यानी पावर रूम के लिए तो वो प्राइवेट बिजली है तो वहाँ पे MSEB हम लाएंगे तो अधिकारियों से हम मीटिंग लेंगे और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। या सोलर सिस्टम सब्सिडी केंद्रीय सब्सिडी मिलके अगर हम ला सकते हैं वो भी हमें लाना है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें निश्चित रूप से केंद्रीय निधि से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। नहीं, पूरे दुनिया में परिवर्तन हुआ है, पूरे एक नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। 17 सीटें हमें मिली थी उसमें से 13 सीटें निवड़ के आई है, चुन के आई है और मतदाताओं को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी पे विश्वास रखा है, कांग्रेस पक्ष के ऊपर विश्वास रखा है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तो उन्होंने जो न्याय पत्र सबको दिया है वो उन पर विश्वास किया है। 5 न्याय और 25 भरोसे उस न्याय पत्र में है तो इसलिए कांग्रेस पक्ष के जो खासदार कोई मीटिंग लेता कांग्रेस पक्ष के खासदारों के लिए 7 तारीख को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीटिंग है 1 बजे। मैं कल नहीं, क्या हुआ कि 13-14 राउंड में 15 राउंड तक 15 राउंड के पहले उन्होंने जो उनके कार्यकर्ताओं ने जो काउंटिंग के आंकड़े लिए थे वो उसमें मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो थोड़े गलत हुए होंगे और उनको ऐसा लगा कि अपना उम्मीदवार चुन के आया है तो उन्होंने डिक्लेयर कर उनके कार्यकर्ताओं में जय श्री राम का नारा लगा के डिक्लेयर कर दिया बाहर और गुलाल भी खेल दिया उन्होंने खेला तो यानी वो खबर मिली कि वो
4000 वोटों से चुन के आए, लेकिन हमें खातरी थी कि हम चुन के आएंगे, हमें क्यों चुन के आएंगे। इसलिए हम वहाँ पे गए और देखा तो 15वां राउंड वहाँ पे डिक्लेयर हुआ था और उसमें 8000 वोट्स का लीड हो गया था और हम वहाँ पे ही बैठे रहे। तो 15, 16, 17 और 18 उसमें लीड था। 19 में थोड़ा लीड कम हुआ, फिर भी हम 5000 से आगे थे। और फिर बाद में जो पोस्टल वोट्स थे तो उसमें थोड़ा लीड हमारा कम हुआ और हम 3831 वोटों से 31 वोटों से। गृह मंत्री आपको या बीजेपी पक्ष जो है ये दूल्हे की सीट को ऐसा लगता है टारगेट किया था, वो वोट मांगने भी आए आपके गवर्नमेंट के टाइम पे भी उनकी तरफ से शोकॉल की ऐसी सूचना आती है कि केंद्र शासन से जो है गृह मंत्री ने कॉल किया था, लेकिन ऐसा टारगेट क्यों किया नहीं वहाँ पे चर्चा थी। हम ऐसे गारंटी से नहीं बोल सकते लेकिन वहाँ पे ऐसी चर्चा थी। मालेगांव में आपका कोई ऑफिस? मालेगांव में ऑफिस होगा मेरा, मैंने मैका उधर है वहाँ पे बंगला है वहाँ पे हम रहेंगे। और जो भी मालेगांव के हमारे भाई बहन हैं उनके जो भी प्रश्न हैं वो सॉल्व करेंगे। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट करास हेटलोन रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार डायमंड कारपेट।